आदिल शाही सल्तनत की पूर्व राजधानी कर्नाटक का बीजापुर वास्तुकला के दृष्टिकोण से भारत के समृद्ध जगहों में गिना जाता है। यहाँ हर इमारत इस सल्तनत के शासकों की कहानी बयां करता है जिन्होंने यहाँ राज किया। इन्हीं में प्रमुख है गोल गुंबज जो हर हाल में बीजापुर की शान है। बीजापुर के जदर गली में स्थित गोल गुंबज का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। इस वास्तुकला के अद्भुत नमूने का मूल आधार घनीय या क्यूबिकल है और इस पर एक गुंबद है जो 150 फीट ऊंचा है। इस गुंबद की खास बात यह है कि यह इकलौता अपने भीतर एक पूरे सभागार को समेटा है। गोल गुंबज के आंतरिक भाग में इकलौता बड़ा कक्ष है जिसके कारण ये इमारत दुनिया के सबसे विशाल एकल कक्ष इमारतों या सिंगल चेंबर मॉन्यूमेंट में गिना जाता है। एक मस्जिद, दरगाह, नक्कार खाना और धर्मशाला से घिरा गोल गुंबज एक बेहद महत्वाकांक्षी आदिल शाही इमारत है। आइए आपको इससे जुड़े ऐतिहासिक पहलुओं के सफर पर ले चलते हैं। गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह को समर्पित एक कब्र है जो आदिल शाही सल्तनत से ताल्लुक रखते थे। उनसे पहले बीजापुर चालुक्य साम्राज्य के तहत विजयपुर कहलाया जाता था, मगर 13वीं शताब्दी में खिलजी सुल्तानों के आगमन के बाद ये जगह बीजापुर के नाम से जाना जाने लगा। इसकी किस्मत बहमनी सल्तनत के आगमन के बाद से चमकी जिन्होंने सन 1347 से लेकर लगभग एक शताब्दी से ज्यादा समय तक बीजापुर समेत दक्कन के अधिकांश हिस्सों पर राज किया। मगर 15वीं शताब्दी के अंत में जब यह पांच दक्कन सल्तनतों में बटा तब आदिल शाहियों का उदय हुआ जिन्होंने बीजापुर को अपनी राजधानी बनाई। यूसुफ आदिल शाह से शुरू होते हुए जब बीजापुर की गद्दी सन 1627 में इसके सातवें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह तक पहुंची तब सल्तनत अपने चरमकाल पर पहुंचा। इन्होंने मुगल से अच्छे रिश्ते कायम रखे जिनकी मदद से उन्होंने पड़ोसी अहमदनगर सल्तनत समेत और भी कई इलाकों को अपने अधीन किया। वे इकलौते ऐसे बीजापुरी सुल्तान थे जिनको मुगलों ने शाह के खिताब से नवाजा। दक्कन में अपने राज के विस्तार करने के साथ साथ सुल्तान मुहम्मद ने अपनी प्रजा के सामाजिक, आर्थिक और सांप्रदायिक स्थिति में कई सुधार लाए। शिक्षा में बहुत योगदान देने के अलावा कला संरक्षण में निपुण सुल्तान ने अपनी सल्तनत को फ्रेस्को और पोर्ट्रेट पेंटिंग प्रणाली से रूबरू कराया। यदि हम आपको ये बताएं कि गोल गुंबज गुरु शिष्य परंपरा की एक मिसाल भी है, दरअसल इसके करीब हाशिम पीर की दरगाह है जो सूफी संत हाशिम पीर को समर्पित है। ये मोहम्मद आदिल शाह और उनके वालिद इब्राहिम आदिल शाह के धार्मिक गुरु थे। अपने शासन के आखिरी सालों में जब सुल्तान मोहम्मद एक बीमारी से जूझ रहे थे और उन पर सभी दवाएं नाकामयाब हो रही थी, हाशिम पीर साहब ने उनको साफ ये बताया कि उनके पास अब सिर्फ 10 साल की जिंदगी बची है। इस मौके पर सुल्तान मोहम्मद ने अपने लिए एक विशाल कब्र बनाने का फैसला किया। दिलचस्प बात यह है कि वो इसको अपने वालिद की याद में बने इब्राहिम रोजा से भी अधिक भव्य बनाना चाहते थे। सन 1646 में जब हाशिम पीर का इंतकाल हुआ तब सुल्तान मोहम्मद ने उनको मौजूदा हाशिम पीर दरगाह में दफनाया। अफसोस की बात यह है कि इसके 10 साल बाद सन 1656 में मोहम्मद आदिल शाह का भी इंतकाल हो गया। भले ही ये इमारत अपने मकसद पर ना पहुंच पाई मगर सुल्तान ने एक कामयाबी इसके विशाल गुंबद से हासिल की जो आज रोम के सेंट पॉल कैथेड्रल की गुंबद के बाद
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सुल्तान मोहम्मद की बीवी, बेटी और पोता यहीं पर उनके साथ दफन हुए। जब सन 1686 में बीजापुर छठे मुगल बादशाह औरंगजेब के अधीन आया, तब इसकी शान में खलक आनी शुरू हुई। फिर मराठों के हाथ आने के बाद 19वीं शताब्दी में ये अंग्रेजों के अधीन आया, जिन्होंने अपने वृत्तांत और चित्रों में गोल गुंबद की तारीफ की। क्या आप जानते हैं कि गोल गुंबद का एक नोबल पुरस्कृत वैज्ञानिक से खास रिश्ता है? ये कोई और नहीं बल्कि महान भारतीय वैज्ञानिकों में से एक सर सीवी रामन है। कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल, पटना के गोल घर और लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल के साथ साथ रामन ने गोल गुंबद में अपने एक शोध के लिए मरमर श्रावी दीर्घ या विस्परिंग गैलरी फिनोमेनन जांचा। इसके माध्यम से उन्होंने ये पता लगाया कि गुंबदों के भीतर जो कई आवाजें आती हैं, वो गुंबद के मंडल से गुजर रही ध्वनि की लहरों या साउंड वेव्स के कारण होती है। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद गोल गुंबद भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आया, जिन्होंने इसकी खोई गरिमा वापस लाने में बहुत काम किया। सन 2014 में इसको दक्कन सल्तनत के इमारतों के तहत यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की अनिश्चित सूची में लाया गया। पर्यटकों में मशहूर गोल गुंबद आदिल शाही के स्थापत्य कौशल को दर्शाता है।